फ्रेंड्स, आज के इस नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन पे हूँ और मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। मेट्रो आए तो फिर मैं कुतुब मीनार के लिए निकलूँ। सो यहाँ से तकरीबन 50 मिनट के करीब लगेगा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पहुँचने में, और वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहाँ पहुँचने के बाद ऑटो या बैटरी रिक्शा को हम यूज़ करके पहुँच सकते हैं उस मॉन्यूमेंट के पास, कुतुब मीनार के पास। और दोस्तों, ये रहा मेरे पास मेट्रो कार्ड, जिसको यूज़ करके मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि अभी टोकन और ये कैश का जो सिस्टम है वो बंद हो रखा है कोरोना की वजह से। अच्छी बात है दोस्तों, इससे कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोकने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो 40 रुपये लगेंगे इस कार्ड से, उतने पैसे कटेंगे कुतुब मीनार पहुँचने में। तो अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं, देखते हैं मेट्रो कब आता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टाइमिंग दिखा रहा है, बॉटनिकल गार्डन की तरफ जाना है 4 मिनट। अभी ये ट्रेन के कोचेस के बारे में दिखा रहा है, 6 कोचेस। अब 3 मिनट हो गया, यानी कि मुझे 3 मिनट और वेट करना है जब मेट्रो आएगी। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं मेट्रो के आने का। फ्रेंड्स, ये जो आपको स्टिकर दिख रहे हैं, ये सब इसका मतलब ये है कि एक एक सीट छोड़ के बैठना है। और नीचे जो आपको स्टिकर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इतने डिस्टेंस पे जहाँ जहाँ स्टिकर लगा हुआ है वहीं वहीं लोगों को खड़ा होना है। फ्रेंड्स, अब मैं हौजखास पहुंच चुका हूं और यहां से मुझे मेट्रो चेंज करना पड़ेगा कुतुब मीनार जाने के लिए। अब यहां से 2-3 स्टेशन और है हौजखास के बाद, मालवीय नगर, देन साकेत और देन कुतुब मीनार आएगा। तो यहां पे मैंने चेंज कर लिया, अब यहां से मुझे येलो लाइन लेना होगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अब कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं और अब मैं यहां से बाहर निकलूंगा। और चलिए दोस्तों, नीचे देखते हैं कि ऑटो मिलता है, बैटरी रिक्शा मिलता है, जो भी मिलेगा वो हम डिसाइड करेंगे और उसी से फिर कुतुब मीनार तक जाएंगे। फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हैं कि हम जहां आना चाहते थे वहां हम पहुंच गए हैं। और दोस्तों, कुतुब मीनार की जो हाइट है, मैं आपको दिखाता हूं कितनी लंबी है ये। तो इसकी हाइट जो है वो 73 मीटर के आसपास है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना चालू किया था। दिल्ली सल्तनत का आपको पता होगा, अगर आपको हिस्ट्री का अगर ज्ञान होगा तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ममलुक डायनेस्टी से ही हुई थी, स्लेव डायनेस्टी की, और उसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसने ही इस मीनार का बनवाने का काम चालू किया था, और लेकिन वो पूरा नहीं बनवा पाया था। आप देख सकते हैं कि 5 स्टोरी मतलब बिल्डिंग है, मीनार है। तो जो पहले 3 स्टोरी हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद 1200 समथिंग में इल्तुतमिश ने 2 फ्लोर और बनवाए। और जो सबसे ऊपर वाला इसका जो मीनार है, मीनार का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स,
मतलब करीब 3 शताब्दी इसको लग गए थे पूरा कंप्लीट होने में। वैसे हमको ये बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, बट 3 रूलर मिलके इसको इन्होंने बनवाया था। और इसके जो पहले 3 फ्लोर के जो आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जो ऊपर है वो उसमें वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कुतुब मीनार के बारे में। आप चलिए आपको यहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर हो वो दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरी या तीसरी बार आया हूँ, लेकिन इस बार सबसे डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है यहाँ लोगों का कमी होना। यानी कि हर बार जब भी मैं यहाँ पे आता था, इससे पहले भी जब आया हूँ 1-2 बार, तो मतलब भीड़ होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ कि यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी माना जाता है, तो यहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने आया करते थे। लेकिन अभी कोरोना का समय चल रहा है तो आपको बहुत कम लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। और देखिए ये दोस्तों, ये है आयरन पिलर। ऐसा आयरन पिलर है जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी मतलब आश्चर्यचकित कर दिया है कि इतना टाइम से ये खड़ा कैसे है। क्योंकि दोस्तों ये 2000, ऐसा माना जाता है कि ये 2000 साल पुराना है, लेकिन अभी भी इसमें जंक नहीं लगा है, क्योंकि इसको प्योर क्वालिटी से, आयरन के प्योर क्वालिटी से बनाया गया था, और इस वजह से आज भी ये ऐसे ही खड़ा है। और दोस्तों इन स्ट्रक्चर्स को आप देखिए, ये जो कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर था, अगर इन स्ट्रक्चर की हम बात करें कि यहाँ पे अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे इंडो इस्लामिक अफगानी आर्किटेक्चर है। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कुतुब मीनार को, और उसके पीछे जो डोम स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हैं। और जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि सबसे ऊपर में देखिए वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, और पहले 3 फ्लोर जो है उसको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, और काफ़ी मतलब अलग अलग टाइम में इसको बनाया गया है। एक बार में इसको कंप्लीट नहीं किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1192 में इसकी शुरुआत तो हुई थी, लेकिन ये एंड में जाके करीब 1368 में ये कंप्लीट हुआ था, और जो आज हम देख रहे हैं। और पहले इसके अंदर भी आपको जाना अलाउ था, हम लोग अंदर जा सकते थे और टॉप फ्लोर पे जाके और एक अच्छा सा व्यू हम देख सकते थे, बट कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हुआ था काफ़ी सालों पहले, जिसमें कि मतलब करीब 300-400 लोग ऊपर स्टेयर पे गए हुए थे। इसके अंदर करीब 400 के करीब स्टेयर है, 397 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट 400 के करीब स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुछ मतलब 300-400 लोग ऊपर गए हुए थे, और तभी कुछ इस तो अंदर बिजली चली गई, लाइट चली गई, और जिससे कि अंधेरा हो गया पूरा, और लोगों के बीच में एक भगदड़ सा मच गया, और जिसकी वजह से उस भगदड़ में 30-40 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ही सरकार ने सिक्योरिटी मेजर को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बंद कर दिया। तब हम सिर्फ अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर ही हम घूम पाते हैं। सो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार से जो रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, कि कब बना था, किसने बनवाया, और इसमें कौन सा मार्बल यूज किया गया है, तो वो सभी चीज़ तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलिए बस आपको यहाँ का सिर्फ नज़ारा ही दिखाते हैं कि फ़िलहाल यहाँ का क्या नज़ारा है, क्या सीन है। तो पहले भी मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि यहाँ पे भीड़ जो है वो बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी लोग ज़्यादा घर से निकल नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, तो भीड़ बहुत कम है। बाकी यहाँ पे आप 1 बार आएँ या 10 बार आएँ, आपको हमेशा यहाँ आने को मन करेगा, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जब आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे, तो मतलब जब हम बुक्स में पढ़ते हैं किसी मॉन्यूमेंट्स के बारे में, तो उस वक्त हमको उतना मतलब पढ़ के मज़ा नहीं आता है। बहुत से तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं कि हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, बट जब हम इन जगहों पे आते हैं घूमने और जिन चीज़ों को हमने पढ़ा होता है कि कुतुब मीनार में वाइट मार्बल को यूज़ किया गया था बनाने में, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था, तो जब इन बातों को जब हम बुक्स में पढ़ रहे होते हैं और जब हम उस जगह पे जाते हैं, तो हमको मतलब जो रियल चीज़ होता है वो हमको पता चलता है, और हमको वो समझ में भी आता है, और फिर हम वो लाइफ टाइम हमको याद भी रह जाता है। बट अगर सिर्फ हम बुक में पढ़ के छोड़ देते हैं तो वो हम शायद भूल भी जाते हैं, हमको उतना याद नहीं रह पाते। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब बहुत से जो चीज़ है वो आपको
बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आता है और काफ़ी मतलब देख के मज़ा भी आता है। यहाँ पे मतलब इतने पुराने पुराने ये जितने भी यहाँ पे यूज किए गए हैं स्टोन्स या मार्बल्स, ये आज के तो नहीं है, ये करीब 1000 साल पहले, 700-800 साल पहले का है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें काफ़ी मतलब एक आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हमको मतलब महसूस होता है कि हम जब इन चीज़ों को हम देखते हैं और टच करते हैं। अब देखिए जैसे कि ये है आयरन पिलर, मैंने आपको बताया कि 2000 साल पुराना है। आज के टाइम में जो आयरन होते हैं वो 10 साल भी नहीं चल पाते हैं, मतलब उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, जंग लग जाता है। बट आप देखिए कि ये मीनार कितने टाइम पहले बना है, ये आयरन पिलर कितने टाइम पहले बना है, बट ये सब ख़राब नहीं हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनके क्वालिटी में, इनके अंदर ऐसा जो चीज़ है जो आज के टाइम में उस चीज़ की कमी है, और इसी वजह से आज जो कुछ भी बनता है वो काफ़ी जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ इन जगहों पे जो पुराने जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जब हम घूमने आते हैं तो हमको इस चीज़ का मतलब देखने को मिलता है हमको, कि मतलब सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ कि पहले कैसा होता था और आज के टाइम में कैसा है। तो हम एक डिफरेंस देख पाते हैं, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमको उतना डिफरेंस नहीं पता चलता है। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि कुतुब मीनार अगर हमको घूमने जाना है तो हम किस दिन जा सकते हैं, टाइमिंग क्या है, एंट्री फ़ी क्या है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इन सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ एक एक करके। तो आप 7 दिन में से जिस दिन आप फ्री हो, जिस दिन आपका मूड करे, आप उस दिन आ सकते हैं। कुतुब मीनार आपके लिए हमेशा ओपन है और खुला हुआ रहेगा, किसी एक भी दिन वो क्लोज नहीं रहता है। और अगर आप टाइमिंग की बात कर, अगर डाउट है आपको, तो टाइमिंग है इसका 7:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक। अगर आपको क्राउड मतलब ज़्यादा क्राउड में आपको घूमना पसंद नहीं है तो आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, यानी कि 7:00 बजे जब ओपन होता है तो उसके आप जस्ट बाद आ जाएं तो आप अच्छे से घूम पाएंगे। और दोस्तों एंट्री फ़ी की बात करें तो पर पर्सन 30 रुपीज़ होता है, फॉरनर्स के लिए 500 होता है, और जो 15 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट आज अब मैं गया तो 35 लगे हैं, शायद ये कोरोना की वजह से हो सकता है, बट नॉर्मल डेज में ये सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली आते हैं तो इस जगह को घूमना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जगह मतलब आप आइएगा तो काफ़ी आपको बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा, यहाँ पर घूमकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो कोई भी दिल्ली आता है, चाहे वो देश मतलब इस देश के ही कोई हो या फिर बाहर के लोग हैं, तो यहाँ पे तो बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे घूमा जा सकता है, बट कुतुब मीनार जो है उनमें से एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ तो इस जगह को एक बार ज़रूर विजिट करें। सो फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा दोस्तों, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट आप जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या किस किसी मार्केट का होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। अगला ब्लॉग फिर मैं वहीं का बनाऊंगा, आप जहां का मुझे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।